अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल विद चिकन की रेसिपी। इसके लिए मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया, फुली मैंने इसको कुक नहीं किया, गली नहीं है, बस इसको मैंने हाफ कुक्ड कर लिया। थोड़े से पानी में डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया, पानी इसका स्ट्रेन कर दिया। आधा किलो बोनलेस चिकन है। आधा किलो गाजर है, इसके मैंने आधा आधा इंच के पीसेस काट लिए हैं, और इसी तरह आधे आधे इंच के पीसेस ही मेरे पास जो है चिकन के हैं। आधा किलो आलू है, इसके भी आधा आधा इंच के पीसेस काट लिए हैं, इनको पानी में रख दिया काट के। इसके अलावा मेरे पास आधा किलो मटर के दाने हैं, आधा किलो मटर है, उसके दाने निकाल लिए, दाने 1 कप हैं। एक बहुत ही छोटे साइज की प्याज है, इसको बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया। 1 अदद टमाटर है, इसको पील करके ग्रेट कर लिया है। 1 अदद हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ मेरे पास स्पाइसेस हैं, इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप हसबे जायका ले सकती हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून हीप्ड भर के कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर है। ऊपर इसके जब ये कुक्ड हो जाएगी तो ऊपर डालने के लिए मेरे पास 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून फ्रेशली कुटा हुआ जीरा और 1 टेबलस्पून फ्रेशली कुटा हुआ धनिया है। फ्रेश कूटना है, पाउडर हमें नहीं चाहिए, मर्जी है आपकी, कूटने से पहले भून लें या ना भूलें। आधा कप हमें तेल चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए। ऑयल के साथ ही इसमें मैं अपनी चॉप्ड अनियन डाल रही हूं, इसको हमने लाइट सा गोल्डन करना है। यहाँ पे जो प्याज है इसको हम फ्राई कर रहे हैं, इसको हमने लाइट सा गोल्डन करना है, इसका कच्चापन खत्म करना है, इसका मॉइस्चर ड्राई करना है। यहाँ पे जो हमारी प्याज है ये अच्छी सी लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं फौरन इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, इसको मैं ऑयल में फ्राई करूंगी, इसकी भुनाई करूंगी, इसका कच्चापन खत्म करूंगी। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो गया, फ्राई हो गया। अभी मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। टमाटर और हरी मिर्च को मिक्स करके इसमें जो 4 स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे। मसाले की भुनाई होगी, इसने ऑयल छोड़ दिया, टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। टमाटर का कच्चापन खत्म करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर उसका कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी, ये जो हमारी हाफ बॉइल्ड या हाफ कुक्ड जो चिकन है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, और ऑयल छोड़ने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। चिकन को भून लिया, इसमें ऑयल छोड़ दिया। अभी मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ। अभी गाजर की हम उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक ये गाजर ऑयल ना छोड़ दे। गाजर की भुनाई हो गई है, इसने ऑयल छोड़ दिया। अभी हम इसको दम पे रख देंगे बिल्कुल, और हम इतनी देर रखेंगे कि गाजरें हाफ कुक्ड हो जाएं, हाफ टेंडर हो जाएं। इसको मैंने दम पे रख दिया, अभी हम इसको सिर्फ इतनी देर दम पे रखेंगे कि गाजरें हमारी हाफ कुक्ड हो जाएं, हाफ टेंडर, फुल इनको कुक नहीं करेंगे। ये जो हमारी गाजर है ये हाफ कुक्ड हो गई है दम पे पड़े पड़े। अभी मैं इसमें मटर और आलू दोनों डाल दूंगी। पहले हम मटर डाल देते हैं। ये हमारे आलू चले गए इसमें। अभी हमने आलू और मटर को इतना भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे। ये देखें व्यूअर्स, ये जो हमारे आलू और मटर हैं इनकी भुनाई हो गई है, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। अभी हम इनको दम पे रखेंगे, उतनी देर हम दम पे रखेंगे कि ये जो हमारे आलू और मटर हैं ये फुली कुक्ड हो जाएं, और उतनी देर में जो गाजरों में कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। अब हम इसको लिड से कवर करेंगे और हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। यहाँ पे इसको दम दे हुए काफी देर हो गई, अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू गले हैं कि नहीं। जी आलू हमारे टेंडर हो गए हैं बिल्कुल। अभी इस स्टेज पे मैं हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करूंगी दोबारा, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा करें, कोशिश करें
कि ज्यादा चम्मच आप इसमें ना हिलाएं, ताकि जो हमारी सब्जी है वो टेंडर तो हो गई है, उसको खड़ा खड़ा रहना चाहिए। तो हम ऑयल छोड़ने तक, ऑयल सेपरेट होने तक इसकी भुनाई करेंगे। कोशिश करें कि आपका जो पैन है आप उसको शेक कर लें, लेकिन आप स्पून ज्यादा इसमें स्टर ना करें। ये देखें जी, जो हमारी सब्जी है, जो मिक्स सब्जी है हमारी, उसने ऑयल छोड़ दिया, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो गया और इसके ऊपर एक अच्छा सा ग्लेज आ गया। तो अभी हम इसको सर्विंग डिश में डालेंगे, इसको हम डिश आउट करेंगे। ये जो हमारी मिक्स वेजिटेबल्स विद चिकन है, इसको मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया। अभी आपको तीन चीजें लिखवाई थी, क्रश्ड कोरिएंडर जो फ्रेशली कुटा हुआ था वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, साथ ही मैं इसके ऊपर फ्रेशली कुटा हुआ जीरा स्प्रिंकल करूंगी, और साथ ही मैं इस पे जो गरम मसाला पाउडर है वो इस पे स्प्रिंकल करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये जो हमारी मिक्स वेजिटेबल्स विद चिकन है, इनका ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।